वेलकम टू शिवानी बैजल रेसिपी। आज हम बनाएंगे तिल मावा के लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए तिल 200 ग्राम, मावा 200 ग्राम, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर है, बूरा 200 ग्राम या स्वाद अनुसार, हरी इलायची 5 जिन्हें मैंने बारीक पीस लिया है। आइए शुरू करते हैं। गैस पर पैन रख दिया है, तिलों को मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। पैन में हम तिल डालेंगे। इस समय गैस की फ्लेम को स्लो मीडियम रखेंगे और तिलों को हल्का ब्राउन होने तक चलाते हुए भूनेंगे। इसे भुनने में 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। तिल हल्के ब्राउन हो चुके हैं, इससे अधिक इसे नहीं भूनेंगे। अब इन्हें ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। गैस पर पैन रख दिया है, फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब इसमें मावा डालेंगे। और इसे क्रम्बल करेंगे और हल्का ब्राउन होने तक चलाते हुए भूनेंगे, जिससे यह नीचे से जले नहीं। अब मावा भुन गया है, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें पिसे हुए तिलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तिल मिक्स हो गए हैं, अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हल्का सा ठंडा होने पर इसमें बूरा मिक्स करेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू बन नहीं पाएंगे। अब इसमें बूरा मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप पिसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब लड्डू बनाएंगे। हाथों में थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरीके से लड्डू बनाएंगे। लड्डू आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे बड़े बना सकते हैं। देखिए, लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे सर्दी के मौसम में ज़रूर बनाइए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव शेयर करें। अब बारी है हमारी टिप की, लेकिन उससे पहले आप कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं हम अपनी टिप की तरफ। मावा के लड्डू बनाते समय यदि मिक्सचर बहुत अधिक ठंडा हो जाए और लड्डू ना बन पाए, तो इस समय आप उसमें थोड़ा सा घी गरम करके मिलाएं, इससे लड्डू आसानी से बन जाएंगे। मावा के लड्डू बनाते समय मिश्रण को हल्का सा ठंडा करके ही बूरा मिलाएं, जिससे बूरा पानी नहीं छोड़ेगा और लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।